हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत करता हूँ ड्रीमर्स चैनल पर। दोस्तों आज है 3 मार्च। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3 मार्च के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, उनको हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जो हमारे कल के करंट अफेयर के क्वेश्चन थे दोस्तों, उनको हम पहले रिवाइज करेंगे और दोस्तों उसके बाद आज के करंट अफेयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में जो पीडीएफ लिंक है आपको मिल जाएगा, वहां पे जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को पहली बार विजिट किया है, तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले दोस्तों। और दोस्तों ये इस सीरीज का 100 पार्ट है दोस्तों, डेली हम करंट अफेयर की वीडियोस लेके आते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ दोस्तों, हमारे चैनल पर दोस्तों जीके ट्रिक का आप एक प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आप जाके जो भी वीडियोस हमने डाली है ट्रिक के माध्यम से दोस्तों, बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है उनको हमने, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट स्टेटिक जीके होती है, जैसे कि बैंक और उनके मुख्यालय, नेशनल पार्क, उनको हमने जीके के ट्रिक के माध्यम से बताया है दोस्तों, बहुत ही आसान है। और दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट और है इंग्लिश वोकैब की, उनको भी हमने ट्रिक के माध्यम से समझाया हुआ है, आप जाके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे कल के करंट अफेयर क्वेश्चन थे उनको रिवाइज करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मोहिउद्दीन यासीन निम्नलिखित में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं दोस्तों? किस देश के बने हैं? मलेशिया के। हाल ही में अमेरिका और तालिबान के बीच हुए समझौते के तहत अगले कितने महीनों में अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी सेना वापस बुला लेगा? कितने माह के अंदर? 14 माह के अंदर अंदर। हाल ही में किस भारतीय उद्यमी को देश का सबसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट अवार्ड लीडर ऑफ डेकेड से सम्मानित किया गया दोस्तों? किसको किया गया है? मुकेश अंबानी को। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर-दिसंबर 2019 तिमाही में भारत की विकास दर कितनी रही दोस्तों? कितनी रही? 4.3%। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। छठे भारत विचार सम्मेलन 2020 यानी कि 6th इंडिया आइडियाज कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पर किया गया? कहां किया गया दोस्तों? नर्मदा। जो उसकी थीम रही दोस्तों वो रही टर्निंग टू रूट्स राइजिंग टू हाइट्स। दोस्तों कभी कभी एग्जाम्स में थीम भी पूछ ली जाती है किसी भी प्रोग्राम की, किसी भी सम्मेलन की दोस्तों, इसलिए आप याद रखेंगे। राजनीति के लिए निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया दोस्तों? किसको किया गया? सर्वनंदा सोनोवाल को। प्रतिवर्ष शून्य भेदभाव दिवस यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है? 1 मार्च को। ये भी याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट डे है आने वाले एग्जाम्स के लिए, कि दोस्तों आपको पता लिया कि करंट अफेयर कितनी इंपॉर्टेंट होती है हर एक एग्जाम्स में। और दोस्तों आपको पता भी है कि एसएससी सीजीएल के एग्जाम चले रहे हैं, तो आप जाके सभी वीडियोस को देख ली दोस्तों करंट अफेयर की। हमारे चैनल पर दोस्तों मंथली करंट अफेयर की वीडियोज भी आपको मिल जाएंगी। 1 मार्च 2020 को किस विषय के साथ विश्व नागरिक रक्षा दिवस मनाया गया दोस्तों? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हमारा विषय रहा। किसका? विश्व नागरिक रक्षा दिवस का। 19वें विश्व उत्पादकता कांग्रेस 2020 वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बेंगलोर में। और दोस्तों जो उसका विषय रहा वो रहा उद्योग 4.0, नवाचार और उत्पादकता यानी कि इंडस्ट्री 4.0, इनोवेशन एंड प्रोडक्टिविटी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। सदाक्षरी सेंटर का हाल ही में निधन हो गया दोस्तों, वे कौन थे? एक इतिहासकार थे। इंडियन रेलवे ने किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला रेल रेस्तरां रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स लॉन्च किया दोस्तों? आसनसोल रेलवे स्टेशन पर। तो दोस्तों ये हमने रिवाइज कर लिया करंट अफेयर के क्वेश्चन को कल वाले को। दोस्तों अब हम करेंगे आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। राजीव सूरी की जगह नोकिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन नियुक्त किए गए दोस्तों? कौन किए गए? पेक्का लुंड मार्क, यानी कि ऑप्शन ए इसका नंबर, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो उससे संबंधित जो भी स्थिति जीके होती है दोस्तों, मैं नीचे लिख देता हूँ। जैसे कि नोकिया की स्थापना कब हुई थी, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेयरमैन कौन है, सीएफओ कौन है दोस्तों, ये भी आप चेक कर ले जरूर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला द्वारा गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु कोटा से आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम है दोस्तों? उसका क्या नाम है? सुपोषित माँ अभियान, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों जो हमारे लोकसभा स्पीकर है उनका क्या नाम है? ओम बिरला, ये भी आप याद रखेंगे। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। मैक्सिकन ओपन 2020 में किसने टेलर फ्रिट्ज को हराकर
अपने करियर का 85वां एकल खिताब जीता है दोस्तों, किसने जीता है? राफेल नडाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। महिला एकल वर्ग में मैक्सिकन ओपन 2020 का खिताब किसने जीता है दोस्तों? किसने जीता है? हीथर वाटसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। हाल ही में रिचर्ड जॉन पेस का 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस भाषा के प्रसिद्ध लेखक थे? किसके थे? कोंकणी भाषा के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 2 मार्च 2020 को नई दिल्ली में एकम उत्सव का उद्घाटन किसने किया दोस्तों? किसने किया? थावरचंद गहलोत ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और नीचे दोस्तों EKAM के फुल फॉर्म लिखी हुई है, एंटरप्रेन्योरशिप नॉलेज अवेयरनेस एंड मार्केटिंग, ये भी आप जरूर याद कर लें दोस्तों। हमारे चैनल हम रोज जो वो कैब होती है उसको याद करने की ट्रिक की वीडियो लाते हैं, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक भी कर सकते हैं। 1 मार्च को भुवनेश्वर में संपन्न प्रथम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2020 का 20 में सर्वाधिक पदक किसने जीते दोस्तों? किसने जीते? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पे। डीआरडीओ ने किस संस्थान के साथ मिलकर रील्डर एक्स नामक एक विस्फोटक डिटेक्शन डिवाइस विकसित की है दोस्तों? किस संस्थान के साथ मिलकर दोस्तों? IISc बैंगलोर के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ की फुल फॉर्म नीचे देख सकते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, चेयरमैन कौन है, ये भी आप जरूर चेक करें। चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद पॉल बिया दुनिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता पर काबिज रहने वाले गैर शाही शासक बन गए हैं दोस्तों? किस देश के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद दोस्तों, जिसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यानी कि कैमरून। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है दोस्तों। कैपिटल यहाँ की जो है वो है इसकी कैमरून की। याउंदे पीएम कौन है? जोसेफ नगुटे। संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। वहां की मुद्रा कौन है दोस्तों? कौन सी है? CFA फ्रैंक, ये भी आप याद रखेंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। किस राज्य ने विधायकों की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि MLALAD फंड को 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया है दोस्तों? किस राज्य के विधायकों की? उत्तर प्रदेश राज्य के विधायकों की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश की दोस्तों। जो भी स्टेट जी के हैं नीचे आप देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। वहां के जो नेशनल पार्क है, वहां के जो डैम है, सब आपको मिल जाएंगे, आप इसको भी चेक कर लें। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, और डेली करंट अफेयर की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।